दर्शन न्यूज जी, बॉडी लेके आए हैं, क्या है पूरा मामला? सर ये मामला था कि कोई मार्ग मेरा भाई को जो है कि दफना दिया था रास्ते में, और जो है कि वो अपना मजदूरी करके घर मतलब आ रहा था, उसके रास्ते में ही उसको जो कि चार पांच आदमी ने जो तो कब की घटना थी ये सर? 8 बजे थी रात में। कल लापता हुए थे ना? जी लापता। कितने देर के हो गए? दो दिन। दो दिन के बाद कहाँ मिला ये? ये सर बहुत दूर में मिला, जंगल में, और कार दिया था उसको। घर से कितना दूर हुआ? घर से लमसम 1-1.5 किलोमीटर। क्या करते थे? मजदूरी करते थे। कितने से आपसे रंजिश थे क्या? जी कौन मारा पता चला? पता तो चला संताल है दो। मामला क्या था, मारने का कारण क्या था? ये पता नहीं है सर। मामला जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिली है प्रेम प्रसंग में ये नहीं, मामला नहीं, आया सर, प्रेम प्रसंग वाला बात पता रहा भैया को, वो ऐसा नहीं है। हम तो अब एक मजदूर आदमी का अब दूसरे से क्या दुश्मनी? कोई दुश्मनी था या नहीं था ये हमको पता नहीं है। वो भैया मेरा यहाँ रहता था नजरा चौकी पटना में, उनके बाद जो वहाँ पे अपना मजदूरी करने लगा, तो धीरे धीरे उसको एक जमीन देकर वहाँ घर बनाया, उससे उसको देखा नहीं गया। बगल में संथाल है, टोटली है यहाँ पर मेरा एक ही भाई नहीं पहचान। क्या नाम है आपका भाई का? साजन चौधरी। रहने वाले कहाँ का है? रहने वाले यहाँ पटना का थे, और श्रीकोल में जाके बसे हुए। अच्छा, श्रीकोल में बसे। थाना कौन सा पड़ा? मेरा थाना पड़ा भैया का थाना पड़ जाता फलका। अच्छा, ये जो बॉडी मिला वो जगह का नाम क्या है? श्रीकोल। श्रीकोल में ही मिला? कहाँ पे मिला? बीच बिहार में मिला, मतलब कि जंगल में मिला। कितने लोग गिरफ्तार भी हुए हैं इसमें? कितने लोग हैं? दो हुए हैं, दो गिरफ्तार हुए हैं, और भी लोग हैं इसमें ना शामिल? जी 8 लोग के नाम बताए वो, अभी पकड़ाना है। आप फलका थाना अंतर्गत जो है श्रीकोल एक गांव है, श्रीकोल गांव में जो है 18 तारीख को जो है 3:30 बजे के आसपास ये साजन चौधरी जो है अपना नीरा का काम करते थे, वो काम से निकले 3:30 बजे के आसपास, और प्रत्येक दिन की भांति वो रोज़ निकलते थे और 8:30 बजे के आसपास वो आ जाते थे, लेकिन 8:30 बजे तक वापस नहीं आते हैं। तो उनकी पत्नी उनके मोबाइल पर कॉल लगाती है, कॉल लगाने पर उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बताया, तो स्विच ऑफ बताया तो वो काफ़ी परेशान हुई। उनके द्वारा काफ़ी खोजबीन किया गया, उनको नहीं पता, लगभग 10:30 बजे तक वो खोजबीन करते रहे। वहीं बगल पर ही उनका एक मित्र था, उनसे जो है वो कॉन्टेक्ट करती है, तो उनके द्वारा बताया गया कि आप ही का कॉल आया था कि घर में झगड़ा है, उसी को देख के लगभग 8 बजे के आसपास तो घर की ओर गया है। फिर वो लोग अपने घर के आसपास देखता है तो कहीं कुछ नहीं पता चलता है, तो काफ़ी परेशान रहा, रात भर अपने परिजन के साथ वो इधर उधर खोजते रहे। सुबह जो है 19 तारीख को 7:30 से 8 बजे के आसपास थाना पर आती है फलका थाना में। फलका थाना में आने के दौरान जो है फलका थाना प्रभारी को एक सूचना देती है, कैसा ऐसा जो है कल से मेरा पति जो है मोबाइल बंद है, नहीं मिल पा रहा है। थानाध्यक्ष तुरंत जो है घटनास्थल के लिए रश करता है, तुरंत उनके द्वारा जो है बड़े पदाधिकारी को सूचित करते हुए जब उनके खोजबीन के लिए प्रयास किया जाता है, उस दौरान हम लोगों ने भी जो है डॉग स्पॉट मंगा के भी जो है प्रयास किया था, लेकिन उस समय हम लोग सफल नहीं हुए। साथ ही उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था वो आवेदन में मुन्ना कुमार के नाम के व्यक्ति का वो जो है जिक्र किया हुआ था, हम लोगों ने उनसे काफ़ी जो है पूछताछ किया, लेकिन कोई साक्ष्य उनके विरुद्ध नहीं मिल पा रहा था। फिर हम लोगों ने जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा टेक्निकल टीम, DIU टीम, सभी टीम को जो है हमारे SP साहब के आदेश के आलोक में सारी टीम जो है फिर घटनास्थल के लिए रश करते हैं, घटनास्थल पर पुनः सारे चीज़ बिंदुओं पर जांच करते हैं, तो हम लोग को कुछ क्लू और कुछ सूचनाएँ प्राप्त हुई। उस सूचनाएँ के आलोक में जो है 2 आदमी को हम लोगों ने उठाया, उनसे जब गहन पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि महेंद्र चौधरी एक जो है अभियुक्त पकड़ाए हैं। महेंद्र चौधरी बताए कि उनकी मां के साथ साजन चौधरी का अवैध संबंध करते हुए मकई के खेत में, उनके ही खेत में वो खुद देख लिए थे। इस संबंध में अपनी मां को और साजन चौधरी को पहले भी इनके द्वारा कई बार जो है उनको कहा गया कि इस तरह का काम नहीं करिए, लेकिन उनके द्वारा ये काम को रोका नहीं गया। तब ये लोगों प्लानिंग करके जो है
जो है रात में ही लगभग 8:00 कुछ मिनट में जो है अपने से 4-5 आदमी मिलके, जैसा कि उन्होंने हम लोग को पूछताछ में बताया है, 5 से 6 आदमी मिलके जो है उसको अपने ही गांव के बहियार में करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर क्षेत्र में मकई के खेत जो है कटा हुआ था उसी में ये लोग गड्ढा करके उनको गला दबाकर हत्या करके जो है डाल दिया। इस तरह ये एक ब्लाइंड केस था। कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था, पुलिस के द्वारा जो है सफल उद्भेदन किया गया। इसमें जो है 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, आगे भी बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जो हमारे अनुसंधान में आया है बात, 5 से 6 आदमी की बातें संलिप्तता आई है इसमें, बाकी और अनुसंधान जारी है। अगर और किसी बिंदु पर आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। थेंक यू।